की लापरवाही से हुई कक्षा 3 के छात्र की मौत, जबकि पुलिस की बैग से हुई थी छात्र की जबरदस्त टक्कर। बताते चलें कि नौगावा नई बस्ती जनपद अमरोहा निवासी फिजूल पुत्र हबीब 12 वर्ष कक्षा 3 का छात्र, जो अपने घर के पास की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गया था, इतने में थाना नौगावा की चौकी कुमाकिया में तैनात सिपाही देसराज अपनी बाइक लेकर तेज गति से आ रहे थे, जो कि बच्चे के बैग से इतनी जबरदस्त टक्कर लगी कि जिससे बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिस पर पुलिस ने बच्चे को जिला अस्पताल में ले जाने की बजाय खेड़ी के मोड़ पर एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा दिया, जहां सूचना पर आनन फानन में परिजन अस्पताल पहुंचे और बच्चे को दूसरे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मुरादाबाद कॉसमॉस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जो कि कॉसमॉस में कुछ ही घंटों के बाद बीती शाम इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों ने मुरादाबाद पुलिस को सूचना दी, जिस पर मुरादाबाद पुलिस ने पंचनामा भर बच्चे का पोस्टमार्टम कराया। अफसोस की बात तो यह रही कि जिस सिपाही ने टक्कर मारी थी उसने बच्चे का हाल चाल तक पूछने की जहमत नहीं समझी। काश वह सिपाही अपना फर्ज समझते हुए पहले ही किसी अस्पताल पहुंचा देता तो आज बच्चे की जान बच सकती थी। मुरादाबाद से साहिद हुसैन की रिपोर्ट। नई बस्ती नौगावा सदर। कौन सा थाना पड़ता है? थाना नौगावा सदर। जब क्या घटना हुई है? घटना है शाम का टाइम 20 तारीख की रात को, शाम का टाइम ये बच्चा 8 बजे का टाइम बच्चा घर से आया था, जैसे कोई सामान वामान लेना है, ये अपनी साइकिल से आया था, अपनी सेट से चल रहा था, उधर से एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल लेकर आया और पुलिस वाले क्या नाम पुलिस वाला देसराज, कहाँ कौन से थाने के थाने? नौगावा थाना जमुना चौकी पर उसने चार्ज रखा। अच्छा, बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम है उजेल। पापा का नाम क्या? अभी मोहम्मद अभी। ये भी नौगांव का रहने वाला? जी नहीं, बस्ती नौगांव वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है। अच्छा, कब की घटना है ये? घटना 20 तारीख शाम की है, 8 बजे की। जब से अब तक बच्चा कहाँ पे एडमिट था? ये पोस्टमार्टम मुरादाबाद। तो पुलिस वाले का नाम पता नंबर कुछ? नंबर काली नंबर ये है 8566। आपने 8566 अपाचे, आपने क्या कार्रवाई की? अभी तक कुछ नहीं करी, अभी तो घर के परिवार के लोग जो है वो परेशान है, बच्चे की 10-12 साल का बच्चा है और उसमें लगे हुए है, अब अस्पताल में लगे हुए थे तो परेशानी है करीब। उसका बाप जो है वो रिक्शा चलाता है। इंतकाल कब हुआ बच्चे का? ये 20 तारीख है, ये कल होया। अब क्या चाहते हैं आप? अब तो हम जो भी है, अब तो घर जाने के बाद में पता चलेगा, हमारे परिवार में बैठने के बाद में पता चलेगा, मशवरा करेंगे। आपका क्या रिश्ता बच्चे? भतीजा लगता हमारा। अब क्या चाहते हैं? क्या हम तो यही बस अपने पूरे परिवार में बैठने के बाद में बोले बस्ती के और जिम्मेदार बैठने के बाद में क्या भी बताएंगे, अभी तो हम अपने बच्चों को यहाँ पोस्टमार्टम कराने हैं।